प्रो कबड्डी सीजन 10 का सेमीफाइनल 2 जयपुर पिंक पैंथर्स और हरियाणा स्टीलर्स के बीच में खेला जाएगा। इस वीडियो में इस मैच का प्रीव्यू करने वाले हैं। क्या स्टार्टिंग 7 रह सकती है, हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या रहा है दोनों टीमों के बीच में, कौन सी टीम इस मैच को जीत सकती है, सब कुछ जानने को मिलेगा। सबसे पहले आपको बता दूं सेमीफाइनल 1 का प्रीव्यू वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर डाला है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके आई बटन पर प्रेस कर सकते हो, वरना वीडियो सेक्शन से भी वो वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले इस मैच पर आते तो ये मैच सेमीफाइनल 2 होने वाला है। जो टीम एलिमिनेटर 2 जीती है वो सेमीफाइनल 2 में गई है और जयपुर के साथ खेलेगी। और ये मैच कहने बात करें तो 9 बजे मैच होने वाला रात को स्टार्ट, और कहाँ होगा, गच्छी बाउली इंदौर स्टेडियम हैदराबाद में ये मैच खेला जाएगा। इस वीडियो में प्रीव्यू करेंगे, सबसे पहले हम हेड टू हेड रिकॉर्ड जानेंगे, उस हिसाब से हम आगे चलेंगे। तो ये मैच का डिटेल्स है। एक तरफ ऐसी टीम जो कि लास्ट सीजन की चैंपियंस है जयपुर पिंक पैंथर, जो ऑलरेडी सेमीफाइनल 2 में जा चुकी थी, सीजन नंबर 2 में फिनिश किया था, और उनके सामने होने वाली है हरियाणा स्टीलर्स की टीम, जिन्होंने गुजरात जायंट्स को भी एलिमिनेटर 2 में हराया है। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हरियाणा की टीम से, कंप्लीट डिफेंस एंड रेडिंग बहुत अच्छा खेलते हुए नजर आई है। सबसे पहले हम हेड टू हेड रिकॉर्ड जानते हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड सबसे पहले सीजन 10 का देखेंगे, ऑल टाइम देखेंगे, उसके बाद हम सीजन 10 के हेड टू हेड रिकॉर्ड पे आएंगे। सबसे पहले हम हेड टू हेड रिकॉर्ड पे नज़र डालते हैं दोनों टीमों का, आखिर कौन सी टीम यहाँ पे आगे है हेड टू हेड रिकॉर्ड के मामले में, वो हम सबसे पहले जान लेते हैं। सबसे पहले हम ऑल टाइम हेड टू हेड रिकॉर्ड जब दोनों टीमों का देखते हैं, जयपुर पिंक पैंथर्स और पटना पायलट्स के बीच, दोनों टीमों के बीच में कुल 14 मैचेस हो चुके हैं, जहाँ पे 9 बार जयपुर पिंक पैंथर्स जीती है, 3 बार हरियाणा स्टीलर्स की टीम जीती है और 2 मैच यहाँ पे टाई रहा है। तो यहाँ हेड टू हेड रिकॉर्ड से साफ अंदाज़ा लगा सकते हो कि जयपुर की टीम काफ़ी आगे है और भारी पड़ी है यहाँ पे हरियाणा स्टीलर्स पे, क्योंकि जयपुर की टीम ने 9 मैचेस जीते, 14 में 3 ही हरियाणा ने जीते हैं और वहाँ पे कुछ मैचेस टाई भी हुए। लेकिन कुछ भी कहो, जयपुर की पिंक पैंथर्स की टीम हेड टू हेड रिकॉर्ड के मामले में आगे है। अगर हम ऑल टाइम देखें तो जब हम इस सीज़न का देखते हैं, सीज़न 10 का क्या हेड टू हेड रिकॉर्ड है, कितने मैचेस हुए, कौन सी टीम किस पे भारी पड़ी है, तो इस सीज़न का भी यही कहानी है। 2 मैचेस टोटल हुए जहाँ पे 2 बार जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम जीती है, हरियाणा 1 मैच भी नहीं जीत पाई है, ना कि टाई करा पाई है। तो यहाँ पे भी जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम आगे चल रही है। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड को भी जब अपन कंसीडर करें ऑल टाइम भी और सीजन 10 का भी, तो वहाँ पे जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम काफ़ी आगे है और हेड टू हेड रिकॉर्ड के मामले में जयपुर को पॉइंट दिया जाएगा, क्योंकि जयपुर के पास ज़्यादा मैचेस जीतने का परसेंटेज है हरियाणा स्टीलर्स के खिलाफ। तो ये तो बात थी हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में। अब हम आते हैं दोनों टीमों का क्या स्टार्टिंग 7 रहने वाला है सेमीफाइनल 2 मैच के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है और दोनों टीम्स मेरे हिसाब से उतना चेंजेस नहीं करेगी जैसा उनका रहता है, और अपना बेस्ट स्क्वाड को उतारने वाली है, अपने एक स्ट्रॉन्ग स्क्वाड को दोनों टीम्स उतारने वाली है। तो हम दोनों टीमों का स्टार्टिंग 7 जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जयपुर पिंक पैंथर्स का यहाँ पे स्टार्टिंग 7 क्या रह सकता है। जयपुर पिंक पैंथर्स के स्टार्टिंग 7 में सबसे पहले हम आएंगे सेंटर पोजीशन पे। तो सेंटर पोजीशन पे हमें नज़र आने वाले हैं अर्जुन देसवाल, जो कि टीम के नंबर 1 रेडर है और स्टार है प्रो कबड्डी के। और जहाँ तक कवर्स की बात है तो राइट कॉर पर कप्तानी करते हुए सुनील कुमार नज़र आते हुए दिखेंगे और बहुत ही खतरनाक डिफेंडर है। और वहीं पर लेफ्ट कवर पर डैश मास्टर रेजा मीर बाघेरी है। सपोर्टिंग रेडर्स कौन होंगे, राइट इन पे वी अजीत कुमार, जो कि सपोर्ट करेंगे अर्जुन देसवाल का, और लेफ्ट इन पे भवानी राजपूत हमें नजर आएंगे। तो ये हो गए 2 सपोर्टिंग रेडर्स। जहाँ तक कॉर्नर्स का सवाल है, राइट कॉर्नर पे साहुल कुमार नजर आएंगे जयपुर पिंक पैंथर्स से, और लेफ्ट कॉर्नर पे हमें देखने को मिलेंगे अंकुश राठी, जो कि इस टीम के नंबर 1 डिफेंडर है। और ये स्टार्टिंग 7 के साथ जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम उतरेगी ऐसा मुझे लगता है, और मुझे नहीं लगता है कोई चेंज होगा। अभिषेक केएस की जहाँ तक बात है, मुझे नहीं लगता उनको पहले मौका मिलेगा, क्योंकि रेजा मीर बाघेरी, जो कि बहुत अच्छे डिफेंडर है, उनकी जो डैश है, बड़े बड़े रेडर्स को कैसे रोकना है वो उनको पता है, जो डैश आउट करते हैं मास्टर है डैश के। तो यही स्टार्टिंग 7 है, मैं वापस आपको बता देता हूँ। आपके स्क्रीन पे नाम शो हो रहा होगा, सेंटर पे अर्जुन देसवाल कप्तानी करते हुए, राइट कॉर पे सुनील कुमार, लेफ्ट कॉर पे रेजा मीर बाघेरी, राइट इन पे वी अजीत, लेफ्ट इन पे भवानी, राइट कॉर्नर पे साहुल कुमार और लेफ्ट कॉर्नर पे अंकुश राठी। ये होने वाला है जयपुर पिंक पैंथर्स का बेस्ट स्टार्टिंग 7 और इस मैच के लिए ड्रीम 11 स्टार्टिंग 7, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। अब आते हैं हरियाणा स्टीलर्स के बारे में। हरियाणा स्टीलर्स, मनप्रीत सिंह की टीम हरियाणा स्टीलर्स का क्या स्टार्टिंग 7 रहने वाला है इस मैच के लिए, वो हम फटाफट जानते हैं सेमीफाइनल 2 के लिए। सेंटर पे सबसे पहले विनय तेवटिया देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत अच्छे रेडर है। यहाँ पे कवर्स की बात है तो राइट कवर पे मोहित नांदल नजर आएंगे, जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, और उनके साथ ही लेफ्ट कवर पे जयदीप मोहित जैन, जो जोड़ी है इस बार भी बहुत सक्सेसफुल है और वही वापस इसी पोजिशन पर नजर आएगी। राइट इन पे हमें सिद्धार्थ देसाई नजर आ सकते हैं,
आज मुझे लगता है, और लेफ्ट इन पे हमें शिवम पतारे देखने को मिलेंगे। दो कॉर्नर्स की बात है तो राइट कॉर्नर पे हमें राहुल सेतपाल देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, और लेफ्ट कॉर्नर पे हमें नज़र आते हुए देखेंगे मोहित कालेर हरियाणा स्टीलर्स के लिए जो कि लेफ्ट कॉर्नर खेल सकते हैं। ये स्टार्टिंग सेवन होने वाला है। अब आपका काफ़ी क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे सिद्धार्थ देसाई, लास्ट मैच में तो हमें आशीष नज़र आए थे, आपने सिद्धार्थ देसाई और क्यों रखा है? देखो बड़ा मैच है और मैंने हमेशा कहा है कि जो बड़ा मैचेस होता है वहाँ पे टीम्स और कोचेस जब टीम मैनेजमेंट बैठ के प्लानिंग करती है तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस को प्रेफर किया जाएगा, और सिद्धार्थ देसाई ने कुछ मैचेस में बहुत ही अच्छा खेला है तो मेरे हिसाब से सिद्धार्थ देसाई खेलेंगे। बाहुबली है और वो हमें राइट इन पे नज़र आते हुए नज़र आ सकते हैं। वापस दोहराया स्टार्टिंग सेवन को मैं दोहराऊँ तो यहाँ पे विनय, मोहित जयदीप दोनों कप्तानी करेंगे, सिद्धार्थ, शिवम, राहुल और मोहित कालेर, ये स्टार्टिंग सेवन होने वाला है हरियाणा स्टीलर्स का। अब बस एक ही बात है, क्या आशीष को पहले खिलाया जाएगा या सिद्धार्थ देसाई को? मेरे हिसाब से सिद्धार्थ देसाई को खिलाना चाहिए। आज बहुत ही बड़ा मैच है, सेमीफाइनल। ये मैच अगर हरियाणा जीतती है तब हरियाणा स्टीलर्स प्रो कबड्डी में पहली बार फाइनल तक जा सकती है, फाइनल में सीधा प्रवेश करेगी हरियाणा की टीम। अगर ये मैच नहीं जीत पाती तो ऑब्वियसली जयपुर वापस फाइनल खेल लेगी, तो ये स्टार्टिंग सेवन रहने वाला है। अब आते हैं टॉप परफॉर्मर्स के बारे में, इस सीज़न का क्या रिकॉर्ड रहा है। जयपुर की तरफ से अर्जुन देसवाल सीज़न के नंबर वन रेडर, 262 रेड पॉइंट्स हैं। वहीं पे हम बात करें टॉप परफॉर्मर वहाँ पे डिफेंस में, तो अंकुश राठी है जिनके नाम 69 टैकल पॉइंट्स हैं। ये दोनों खिलाड़ी जयपुर के लिए एक ऐसे खिलाड़ी साबित हुए जो कि हमेशा कंसिस्टेंटली खेलते हैं। अंकुश राठी पिछला सीज़न भी बहुत अच्छा खेले थे, नंबर वन डिफेंडर थे, और इस सीज़न भी अभी तक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। वहीं पर अर्जुन देसवाल पिछले सीज़न भी नंबर वन रेडर थे और इस बार भी नंबर वन रेडर है, तो ये दोनों खिलाड़ी बहुत ही तगड़े फॉर्म में नज़र आ रहे हैं और आज के मैच में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है किस तरीके के फॉर्म के साथ वो आते हैं। जहाँ तक बात है हरियाणा स्टीलर्स के बारे में, टॉप परफॉर्मर्स में है विनय तेवटिया जिनके नाम 149 149 रेट पॉइंट्स है, और मोहित नांदल डिफेंडर में 69 टैकल पॉइंट्स है। यहाँ पे जहाँ तक डिफेंस की बात है तो मोहित नांदल 69 टैकल पॉइंट्स के साथ है, वहाँ पे अंकुश के भी 69 टैकल पॉइंट्स है, मतलब मोहित ने भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस डिफेंस में किया है। और जहाँ तक रेडर की बात है 149 रेट पॉइंट्स विनय तेवटिया के हैं, विनय तेवटिया ने भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है 149 रेट पॉइंट्स। अब कहीं को लग रहा होगा कम है, लेकिन जिस मैचेस में जिस परिस्थिति में टीम को उन्होंने ऑल आउट से बचाया है, सुपर रेड्स मल्टी पॉइंट रेड लगाया है, इसीलिए विनय बहुत ही सक्सेसफुल रेडर साबित हुए हैं। और जहाँ तक बात है प्लेयर्स टू वॉच आउट के बारे में, तो हरियाणा से मेरी नज़र होने वाली है डिफेंस पे, जयदीप मोहित का डुओ और राहुल चेतपाल। इस मैच में मुझे ऐसा लगता है कि डिफेंस भारी पड़ने वाली है और डिफेंस को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया हूँ। ऑब्वियसली मनप्रीत सिंह सर वो डिफेंस में ज़्यादा भरोसा दिखाते हैं और इस बार उनके रीढ़ की हड्डी रहे ये तीन डिफेंडर्स, मोहित, जयदीप और राहुल चेतपाल। राहुल चेतपाल को मैं बहुत तारीफ करना चाहूँगा, जिस तरीके से अपना रोल को अदा किया है राइट कॉर्नर में, टैकल पॉइंट स्कोर के बड़े रेडर्स पवन सेरावत जैसे रेडर्स को रोका है, और मोहित जयदीप का डुओ बहुत अच्छा किया। विनय भी कर सकती है अच्छा, लेकिन आज मुझे डिफेंस पे ज़्यादा भरोसा है। ये तीनों प्लेयर्स टू वॉच आउट है हरियाणा स्टीलर्स से। जहाँ तक जयपुर की बात है तो मेरी नज़र अर्जुन देसवाल पे तो ऑब्वियसली होगी, लेकिन मुझे लगता है सुनील कुमार कप्तान है, टीम को कंट्रोल भी करना, और उन पर मेरी नज़र है राइट कवर पर। क्या वो विनय को रोक पाएंगे, शिवम पतारे, बाहुबली सिद्धार्थ देसाई को रोक पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये यहाँ पे कुछ बैटल्स भी मैंने साथ में कह दिया और ये प्लेयर्स टू वॉच आउट भी कह दिया है, तो इन प्लेयर्स पे हमारी नज़र होने वाली है। तो ये थे प्लेयर्स टू वॉच आउट। फाइनल चीज़ पे हम भी आ जाते हैं, मैच प्रेडिक्शन पे भी आगे आएंगे। तो ये पूरा मैच का प्रीव्यू किया है मैंने और हर चीज़ पे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग सेवन क्या रह सकता है। बस एक चेंज जो मैं कह रहा था, सिद्धार्थ देसाई आएंगे आशीष के जगह, जो मुझे लगता है इतने बड़े खिलाड़ी को आप बेंच आउट नहीं करेंगे इतने बड़े मैच के लिए, तो सिद्धार्थ देसाई जरूर नज़र आ सकते हैं। तो अब फाइनल पॉइंट पे हम फटाफट आ ही जाते हैं मैच प्रेडिक्शन के बारे में, कौन सी टीम इस मैच को जीत सकती है। तो मैच प्रेडिक्शन पे हम फटाफट आ जाते हैं। जहाँ तक मैच प्रेडिक्शन की बात है तो एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिलने वाला है जयपुर पिंक पैंथर्स और हरियाणा स्टीलर्स के बीच में। तो कुछ चीज़ों को हमने अभी यहाँ पे स्टडी किया था, एनालाइज किया था और कुछ रिकॉर्ड्स को कंपेयर किया था, तो हमें क्या पता चला कि हेड टू हेड रिकॉर्ड के मामले में जयपुर आगे। स्टार्टिंग सेवन को भी हम एकदम अच्छे से देखें तो यहाँ पे मुझे जयपुर की टीम थोड़ा आगे लग रही है, और सब कुछ को देखते हुए जयपुर पिंक पैंथर्स के पास अच्छा चांस है। लेकिन एक बात और है हरियाणा स्टीलर्स के बारे में, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, डिफेंस की जहाँ तक बात है हर पोजीशन का खिलाड़ी अच्छा कर रहा है। लेफ्ट कॉर्नर पे अगर मोहित कालेर फॉर्म में आ जाए, जो कि पिछले सीजन अच्छे फॉर्म में थे, अगर वो कुछ परफॉर्मेंस दे दे तो हरियाणा की टीम की डिफेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। रेडर्स इनके पास, हरियाणा के पास भी अच्छे, विनय है, शिवम पतारे एक नया यंग खिलाड़ी जिस पर नज़र हो सकती है, ये भी एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और बाहुबली अगर अपने आज रियल रूप में आ गए तो बिल्कुल बहुत अच्छे फॉर्म में नज़र
नजर आ सकते हैं। तो आपके हिसाब से कौन सी टीम इस मैच को जीतने वाली है और फाइनल्स में जाने वाली है, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और किस टीमों के बीच में आप फाइनल देखना चाहते हो ये भी कमेंट कीजिएगा। कौन सी टीम इस मैच को जीत के फाइनल जाएगी कमेंट। और वीडियो अच्छा लगा लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो लेटेस्ट कबड्डी अपडेट्स के लिए। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो हर सेमीफाइनल्स के छोटे बड़े अपडेट्स के लिए। हर प्रो कबड्डी के अपडेट्स के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप में हमारा अपडेट मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।